फ्री की चीज ना बहुत कम लोगों को वैल्यू होती है। ये चीज मैंने फील किया सर, ये चीज मैंने दिल से फील किया, और कई बार ना मुझे ये बातें चुभती भी हैं। मतलब ऑब्वियस बात है सर, एक इंसान है, इंसान के अंदर दिल है, और दिल में कई बार दुखता है कि लोग फ्री की चीज़ों की ना वैल्यू कम समझते हैं। उनको पता नहीं कि ये चीज़ें फ्री की नहीं होती सर। आपकी जो रिवीजन क्लास चल रही है, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ये रिवीजन क्लास इतनी डेप्थ में ना आपने कभी देखी नहीं होगी जो मैं पढ़ा रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही रिवीजन क्लास दे रहा हूँ, बट मेरे को पता है कि जब मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं दिल से पढ़ा रहा हूँ। बट बच्चों को क्या लगता है कई बार, भाई फ्री में है। अब अगर इसी के मान लो मैं फास्ट ट्रैक बैच बना दूँ, मैं कह दूँ कि 2500 रुपये का फास्ट ट्रैक बैच है, भाई साहब जितनी मेरी रिवीजन क्लास होगी ना, मैं लिख के देने को तैयार हूँ, उससे कम में फास्ट ट्रैक बैच खत्म हो जाएगा। बट मैं कहता हूँ नहीं यार, कि जब सिंपल से बता है रिवीजन हर बच्चे की होनी चाहिए, बट कई बार बच्चा कहता है फ्री में है सर। मैं सही बता रहा हूँ, फ्री में कुछ भी नहीं होता, आपकी अटेंशन फोकस चाहिए होता है। अब अगर आप फ्री का भी मैं दे दूंगा, जितना मर्जी दूं, अगर आप फोकस नहीं करोगे, आपकी अटेंशन अगर यहाँ पे नहीं होगी, आप समझ नहीं पाओगे। तो कई बार ना फ्री की ना वर्थ नहीं होती, मतलब फ्री यूजलेस हो जाता है कि चल छोड़ ना यार, सर ने फ्री में ही तो हमारे लिए किया है। और जो फ्री की वैल्यू समझ जाता है, उसको पता है कि क्या क्वालिटी दी जा रही है, मैं गारंटी दे रहा हूँ जी। तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरी क्लास को ना फ्री मत समझना, इसकी वर्थ बहुत ज़्यादा होती है। जब आप एग्जाम के अंदर बैठोगे, आप याद करोगे कि वाकई कोई चीज़ दी थी सर ने, बट कई बार वैल्यू होती नहीं।